करते हैं। द चैप्टर नेम इज लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन के तीन लॉ। कौन कौन से? पहला, दूसरा और तीसरा, है ना? इतना तो याद है ना कि तीन लॉ थे, एक पहला, एक दूसरा और एक तीसरा, राइट? चलो, जब मैं बोलूँगा तब नोट करना, अभी एक बार समझ लो, ठीक है? क्योंकि बचपन तुम्हारा ऐसे ही था तो इसलिए थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है। दो चीज़ों को समझते हैं, क्या है? वन इज इनर्शिया एंड अनदर इज फोर्स। ये दो चीज़ें हैं क्या? दोनों इंटरकनेक्टेड है, ओके? दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। इनर्शिया, जो टेक्निकल डेफिनेशन है, जो हमें एग्जाम में लिखनी होती है एंड ऑल, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, बट इन बेसिक सेंस इनर्शिया इज व्हाट? नोट मत करना, मैं समझा रहा हूँ, डेफिनेशन प्रॉपर बाद में लिखवाता हूँ। इनर्शिया इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब अपोज करना, टू चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज, इन द बेसिक सेंस इट इज कॉल्ड इनर्शिया। लाइक अगर हम वोकैबुलरी से बात करें तो इनर्शिया का मीनिंग ये होता है, रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी एनीथिंग जो भी है वो चेंज नहीं चाहता, दैट्स कॉल्ड इनर्शिया। कोई भी चेंज नहीं चाहता, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया, करेक्ट? हमारे यहाँ मैकेनिक्स में इट इज रिलेटेड टू मोशन, इट्स रिलेटेड टू मोशन के इफ समथिंग इज ए मूविंग दैट डू नॉट वॉन्ट टू स्टॉप, इफ समथिंग इज एट रेस्ट दैट डू नॉट वॉन्ट टू मूव। जो चल रहा है वो रुकना नहीं चाहता, जो रुका हुआ है वो चलना नहीं चाहता, दैट इज कॉल्ड बेसिकली द इनर्शिया, ठीक है? इनर्शिया को हम तीन डिफरेंट कैटेगरी में ब्रेक कर सकते हैं, एज फार एज मैकेनिक्स इज कंसर्न, ठीक है? एज फार एज लाइफ इज कंसर्न, तो देर आर लॉट मैनी पार्ट्स ऑफ इनर्शिया। जैसे कि सुबह उठते टाइम उठने का मन नहीं करता, दैट्स इनर्शिया, ओके? बट मैकेनिक्स में इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, थिंक ऑफ अबाउट द थ्री थिंग्स। कोई भी चीज अगर रेस्ट में है तो वो अपने आप तो चलेगी नहीं, कोई भी चीज अगर रेस्ट में है तो वो अपने आप चलेगी नहीं, नहीं चलेगी ना। कोई भी चीज मोशन में है वो अपने आप रुकेगी नहीं, ओके? इज इट क्लियर? अब इफ समबडी आस्क मी, मैं एक पेंडुलम लूं, उसको ऐसे हिलाऊं, वो मोशन में आ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद तो वो रुक जाएगा। सो वेयर इज दैट इनर्शिया? वो इनर्शिया कहाँ है? तो उसमें क्या हुआ, जो उसका मोशन था वो अगेंस्ट द एयर था, एयर के बीच में मूव कर रहा है, तो वो एयर उसके मोशन को अपोज कर रही है, तो इसलिए धीरे धीरे ग्रेजुअली वो मोशन लूज होता जाता है, ठीक है? बट इफ इन फ्री स्पेस, यानी वैक्यूम में अगर हम चले जाएँ, स्पेस में चले जाएँ, वहाँ पे अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को मोशन दे दिया तो वो रुक सकता है? नहीं, दैट विल कंटिन्यू इन मोशन फॉर एवर, ठीक है? सो वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, अपने आप नहीं चलेगा। अगर वो चलना शुरू करता है तो देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड दैट, अपने आप कभी नहीं होगा। सिमिलरली अगर इफ समथिंग इज इन मोशन एंड दैट स्टॉप्स, सो देयर मस्ट बी ए रीजन फॉर दैट, ठीक है? सिंपली अगर रुक रहा है तो पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होगा, अपने आप तो कभी नहीं रुकेगा। द सेम वे डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स द मोशन इज ऑलवेज इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन विल ऑलवेज बी इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर हम फ्री स्पेस में, अंतरिक्ष में एक ऑब्जेक्ट को ऐसे मोशन दे दे तो क्या होगा, वो उसी लाइन में सीधा चलता जाएगा, ठीक है? आप कहीं पे भी अगर मोशन दोगे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है? गिव इट, टेक द एग्जांपल ऑफ द कैरम, कैरम क्वाइंस, व्हेन यू स्ट्राइक इट ऑलवेज गोज इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है? अनलेस इट इज अपोज्ड बाय द बाउंड्री,
बाउंड्री से फिर वो रिबाउंड होता है, तो वो एक कॉज हो गया रिबाउंड का। बट अगर बाउंड्री नहीं होती तो वो सीधी लाइन में चला जाता। ठीक है, एक बॉल को हम ऐसे करते तो घूम जाती है। रीजन बिहाइंड दैट, बॉल में सिर्फ अकेले सीधे वाला मोशन नहीं होता, वो ऐसे बॉल ऐसे भी घूमती है, रोटेट भी करती है। तो अगर कोई चीज़ सीधी लाइन में चलते चलते मुड़ रही है, सो देयर मस्ट बी ए रीजन बिहाइंड दैट। अपने आप कभी नहीं मुड़ेगी कोई भी चीज। ठीक है, कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट अगर सीधा जा रहा है, आप ऐसे हल्का सा उंगली लगाओ, सो देन व्हाट विल हैपन, इट विल बैंक। लाइक मैनी टाइम्स इन द क्रिकेट, एक बॉल आ रही होती है, वो बैट्समैन ऐसे कर देता है, ऐसे कोई फोर्स नहीं लगाता, देन व्हाट हैपन, बॉल आते आते उधर चली जाती है। सो देयर मस्ट बी ए रीजन, अदरवाइज बैट नहीं लगाएगा तो कहाँ कहीं जाएगी, विकेट में घुस जाएगी। ओके, सो दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मीन्स एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस अपोज्ड, है ना। इनर्शिया ऑफ मोशन कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कंटिन्यू इन स्ट्रेट लाइन। इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं और बोल देते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन हमेशा किस में होता है, स्ट्रेट लाइन में। यूनिफॉर्म मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो डेफिनेशन के लिए हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं। ठीक है, तो एक बार इसकी डेफिनेशन नोट कर लो। इनर्शिया इज inherent property of an object by virtue of which an object cannot change its state, cannot change its state of rest or of uniform motion on its own. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में दोनों चीजें आ गई, तो मोशन भी है, डायरेक्शन भी है, स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया आर फर्स्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, second inertia of motion, and third inertia of direction. Right, hope so सबको समझ में आ गया होगा। पहले एक एक शुरू करते हैं। inertia of rest, कोई एक example, practical example जो commonly हम common daily life में observe करते हो। हाँ, अ पर्सन इन अ बस, एक बस में आदमी बैठा है और जैसे ही बस आगे चलती है, इट गोज बैकवर्ड, बस आगे जाएगी और आदमी बैकवर्ड जाएगा। क्यों? ये आदमी बैठा है ना, बस आगे गई तो आदमी आगे जाना नहीं चाहता बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो बस आगे चली गई तो वो पीछे रह जाता है, तो इट फॉल बिहाइंड। When it fall behind, तो it get a backward jerk. ठीक है, right? That is what inertia of rest. Inertia of motion, the same example, the bus में आदमी bus को brake लगाए तो आदमी आगे। क्यों? Because when the person was in bus, तो bus is moving, then the person is moving. अब bus तो stop हो गई, but person want to continue in motion, तो वो आगे jerk लगता है। अगर सडनली ब्रेक लगा दे तो बहुत ज़्यादा जर्क लगता है।
इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मैंने आपको बताया बैट बॉल वाला, ठीक है। एक और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, बचपन में सब लोग करते हैं, साइकिल को तेज स्पीड पे चला के हैंडल छोड़ दो, साइकिल को थोड़ी तेज स्पीड में चला के हैंडल छोड़ दो तो सीधी चलती जाती है, ठीक है। इफ यू आर ऑन ए स्ट्रेट हाईवे और कार के स्टेयरिंग स्ट्रेट करके स्टेयरिंग से हाथ हटा लो तो कार सीधी चलती जाती है अपने आप, ठीक है, राइट। तो किया नहीं तुमने साइकिल वाला कभी? किया है हैंडल छोड़ के, हाँ ना, वही देखो मेरे हाथ नहीं है, ठीक है। सर बस अगर मैं लेफ्ट की तरफ मूव करती है तो बंदा राइट की तरफ मूव करता है, हाँ, ये डायरेक्शन एग्जांपल। आदमी तो समझदार है, हाँ होता ऐसे ही है, मतलब तो आदमी समझदार है, बट टेस्ट के टाइम पे क्या हो जाता है तेरे को? अच्छा सिर्फ एक क्वेश्चन की बात है, अबे टेस्ट देते ही तो तूने झांकना शुरू कर दिया था। हाँ, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में वन मोर एग्जांपल, अगर हम बस में एक पेंडुलम को हैंग करा दें, ठीक है, या हम खुद भी बैठे हो और बस इधर को टर्न लेगी तो द पेंडुलम विल गो बैकवर्ड और हम आउटर साइड में जाएंगे, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू टेक द टर्न, द बस इज टेकिंग टर्न बट वी डोंट वॉन्ट टू टेक द टर्न। होप सो ऑल क्लियर टू ऑल, राइट। सो दैट इज वॉट इनर्शिया। इनर्शिया की कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, एक ग्लास लो, इस पर एक कार्डबोर्ड शीट रखो, इस पर क्वाइन रखो और कार्डबोर्ड शीट को पुल कर दो, ये स्ट्राइक कर दो तो कार्डबोर्ड शीट निकल जाएगी, क्वाइन पानी के अंदर, दैट इज वन। अनदर एक एग्जाम्पल लाइक डस्ट रिमूवल फ्रॉम द ब्लैंकेट्स, ब्लैंकेट से डस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसे झटकते हैं, जब ऐसे स्विंग करते हैं तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल वहीं रह जाते हैं, कंबल नीचे आ जाता है, ब्लैंकेट। सो दैट इज देयर आर, यू विल फाइंड लॉट मैनी एग्जांपल्स इन द डेली लाइफ, अपने चारों तरफ देखोगे तो बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, ठीक है। ये था पार्ट ऑफ इनर्शिया, क्लियर। इन बेसिक सेंस व्हाट इज दैट, चीज़ों को ना बेसिक सेंस में समझने की कोशिश करो, क्रैम नहीं करो, ये तो एक डेफिनेशन हो गई, हमारे लिखने का तरीका हो गया, बट इन ए सिंगल स्टेटमेंट व्हाट इज इनर्शिया, रेजिस्टेंस टू चेंज, एनी टाइप ऑफ चेंज उसको रजिस्टर करना, दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट आता है फोर्स। व्हाट इज फोर्स इन द डेफिनेशन, इज एन एफर्ट, एफर्ट मीन्स कोशिश, फोर्स इज एन एफर्ट, किस लिए, लिखना मत, बेसिक सेंस में, टू ब्रेक द इनर्शिया। फोर्स इज वॉट इन बेसिक सेंस, इज एन एफर्ट टू ब्रेक द इनर्शिया, जो इनर्शिया को ब्रेक करने का काम करती है, दैट इज कॉल्ड द फोर्स, एक कोशिश। फोर्स मे और मे नॉट ब्रेक द इनर्शिया, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फोर्स ब्रेक द इनर्शिया, इट ट्राइज समटाइम्स एंड समटाइम्स नॉट। सपोज लाइक अनमोल को खड़ा कर दो रोड पे, ठीक है, एक बहुत तेजी से ट्रक आ रहा हो और इसको बोलो इसको रोकना है, ठीक है, और ये सामने खड़ा होकर उसको रोकने की फोर्स लगाएगा तो रोकने की कोशिश करेगा, अब ट्रक रुक भी सकता है अगर ड्राइवर ने देख लिया, और नहीं भी रुक सकता है अगर उसने नहीं देखा, इससे तो नहीं रुकेगा, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट, एक कोशिश। अब एक छोटा पत्थर रखा है, तुम उसको हिलाओगे हिल जाएगा, बहुत बड़ा है तुम खुद हिल जाओगे वो नहीं हिलेगा, नहीं, बट फोर्स तो इन्वॉल्व है ना हर केस में। अब साइकिल आ रही है और हम रोके तो रुक जाएगी, सो एक बार रेस्ट मोशन को ब्रेक कर दिया साइकिल के केस में, ट्रक के केस में नहीं भी होगा। सो व्हाट मैटर्स कि वो ब्रेक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, दैट मैटर्स इज अमाउंट ऑफ फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स इन्वॉल्व्ड। अगर कम फोर्स है और इनर्शिया ज़्यादा है तो नहीं ब्रेक होगा,
फोर्स कम से कम उतनी चाहिए जितना इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए चाहिए, तो इनर्शिया ब्रेक हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट? लाइक एक बॉल आ रही है, यू कैन इजीली स्टॉप इट, ठीक है? अब एक बोल्डर आ रहा है, बहुत बड़ा पत्थर, यू कैन नॉट स्टॉप इट बिकॉज यू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स. आप एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, करेक्ट? सो फोर्स इज एन एफर्ट दैट फर्स्ट मूव्स और ट्राइज टू मूव moves or tries to move an object at rest. कोई object अगर rest में है तो उसको move करेगा या move करने की कोशिश करेगा. Second, now you understand how to write. बोलो second. Stops or tries to stop. अब या तो वो stop कर लेगा या नहीं करेगा, और tries to stop. An object in motion. And third, changes or tries to change the direction of motion. तो तीन different type के inertia हो गए, और उन तीन different type के inertia को break करने का हो गया, ठीक है? ये हमने पढ़ा था फोर्स के बारे में, ये सब हमने बचपन में पढ़ा है. हाँ, बट वो ऑनलाइन था ना, अनमोल को भी याद है, इसने आते ही बता दिया था. बस वो M1 V1 M2 V2 नहीं याद है, तेको याद है वो M1 V1 M2 V2? हाँ, इसको तो अच्छे से याद है. हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना? हो गया ये, राइट? ना यूनिट ऑफ फोर्स, ये भी अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है. फोर्स की यूनिट, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जिनको हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, करेक्ट? SI unit is kg meter per second square, called as Newton. Simply N से denote करेंगे, ठीक है? So kg meter per second square is Newton, right? CGS unit is gram centimeter per second square, called as dyne. और इसको हम शॉर्ट में यूज नहीं करते, पूरा ही लिखते हैं dyne. इसका कोई शॉर्ट वर्जन नहीं यूज करते, जब भी लिखेंगे पूरा का पूरा dyne ही लिखेंगे. What is the conversion ratio? 10 to the power 5 dyne. Now think of a unit. पहली चीज, do you understand the difference between mass and weight? What is the difference? ठीक है, mass represent quantity. Mass represent quantity, how much amount of substance is involved in the system, that is called mass. Weight represent force, and mass represent quantity. तो ये दो अलग parameters है, right? अब हम बोलते हैं बाजार से 1 किलो चीनी लेके आना, 1 किलो चीनी लेके आना. अब वो वेट करके देता है, एक बैलेंस पे वेट करके देता है. तो वो जो 1 kg है वो क्या है, मास है कि फोर्स है? k
kg is the unit of mass, but वो weight करके दे रहा है तो that should be a force, ठीक है? So that is the complication of unit. वो कितना weight है? The weight equivalent to 1 kg mass. The weight equivalent to 1 kg mass. Correct? And that unit is called kg weight, जिसको हम बोलते हैं short में kg. एग्जैक्ट यूनिट क्या है? किलोग्राम वेट, राइट? जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं किलोग्राम, जब हम बाजार से कोई सामान लेते हैं, बट वो एक्चुअली क्या है? किलोग्राम वेट है, राइट? कभी तुम जो पैक्ड वो होते हैं उन पे लेबल पे देखोगे के जी वेट लिखा होता है, ठीक है? के जी नहीं लिखा होता, के जी वेट लिखा होता है, ठीक है? These are called gravitational unit. Gravitational unit. Gravitational में SI unit is kg kilogram weight. Kilogram weight. Kg and WT ऐसे लिखते हैं. That's called gravitational unit, kg weight. ठीक है? That is weight equal to 1 kg. अब weight कैसे निकालते हैं mass का? किसी भी mass का weight क्या होता है? mg. mg होता है ना weight? याद है? चलो नहीं याद है तो याद कर लो. Weight हमेशा होता है क्या? Mass into g. तो अगर 1 kg mass है तो उसका weight कितना हो गया? 9.8 न्यूटन. अगर 1 kg मास है तो उसका वेट कितना हो जाएगा? 9.8 न्यूटन. तो 1 kg वेट इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन? 9.8 न्यूटन. ओके, सो व्हेन यू आर ब्रिंगिंग द 1 kg सुगर, यू आर कैरिंग 9.8 न्यूटन वेट. क्लियर? सो 1 kg वेट इज व्हाट? Weight equivalent to 1 kg mass. ठीक है? या weight of 1 kg mass. Correct? And इसमें CGS unit क्या हो जाएगी? Gram weight. GMWT. 1 gram weight. अब CGS में तो डाइन में कन्वर्ट करेंगे. कैन यू टेल मी हाउ मेनी डाइन्स? एम इंटू जी. एम इंटू जी करेंगे ना. वेट तो हमेशा एम जी रहेगा. डजेंट मैटर व्हाट इज द यूनिट, है ना? तो मास हो गया 1 ग्राम. अब जी को भी तो CGS में लेंगे ना. जी को CGS में लेंगे तो कितना आएगा? जी की वैल्यू CGS में डूब मारो तुम लोग. 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना. सेकेंड स्क्वायर तो सेकेंड, तो सेकेंड भी होता है सब में. तो कितना हो गया? 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है? सबको ट्रेनिंग की जरूरत है. तुमको भी मैं सही बता रहा हूं, तुम्हारा बचपन बहुत खतरनाक है. टेस्ट हुआ था ना यूनिट वाले, मैक्सिमम क्वेश्चन तुम लोगों ने गलत कर रखे थे यूनिट कन्वर्जन वाले. So now tell me how many dyne? मन मन में बोल लेना, इधर ऑनलाइन बताएंगे. साई कितने डाइन? ये लो बैटरी डाउन. माइक की या साई की? साई माइक की बैटरी डाउन या तेरी बैटरी डाउन?
989, सिंपली 980 होती है जी के वैल्यू सीजीएस में, तो 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू 980 डाइन्स, और फिर उसके बाद न्यूटन में कन्वर्ज करना हो तो फर्दर कन्वर्जन। ओके ठीक है, तो 50 किलो के आदमी का कितना वजन, कितना 490 न्यूटन, 50 किलो के आदमी का वेट कितना 490 न्यूटन, करेक्ट। अब बोलते क्या है, हमारा वेट 50 केजी है, दैट्स नॉट ए रॉन्ग टर्मिनोलॉजी, दैट इज वेट रिप्रेजेंटेड इन केजी, द बेसिकली इट इज केजी वेट, करेक्ट। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, तुम यही गलत करने जा रहे हो, समझ में आ रहे है? ओके और देखना, फिर भी कई लोग पूछेंगे मेरे से जब सवाल आएगा, सर ये केजी वेट क्या होता है, हो गया डन राइट। अब थोड़ा सा ओवर फोर्स के बारे में, आई नीड टू रिविजिट द 9th क्लास, नोट नहीं करना, जस्ट रिविजिटिंग द 9th क्लास। एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स, याद है, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, व्हाट आर दोस बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। इफ टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, या इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो, देन दोज आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स मींस टोटल सम ऑफ फोर्स, टोटल सम ऑफ फोर्स इज जीरो, एंड अनबैलेंस्ड सम ऑफ फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, करेक्ट। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज देयर एंड वी आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, देन दिस फोर्स इज व्हाट, बैलेंस्ड फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। If we apply a force of 6 Newton and 4 Newton, then it is unbalanced force. ठीक है, what is the use of the balanced force? अगर हम balanced force लगा रहे हैं तो उसका use क्या है, जब total मिला के जरूरी जीरो गया, क्या हाँ मतलब एडवांटेज क्या है बैलेंस फोर्स का, क्या जोर से बोल, ये भी था बचपन में, था बैलेंस फोर्स का क्या काम होता है, अनबैलेंस फोर्स का क्या काम होता है, तेरे को याद है, बिल्कुल नहीं, बैलेंस फोर्स डिफॉर्म्स द सिस्टम, सिस्टम को डिफॉर्म करती है, ठीक है, सिस्टम को डिफॉर्म करती है। न्यूटन थर्ड लॉ तो याद होगा, एक्शन रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सपोज करो तुम दीवार पे मुक्का मारो, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, नेट फोर्स जीरो, बाकी क्या हुआ वो तुम्हें पता है, डिफॉर्मेशन तो हुई ना, कुछ डिफॉर्मेशन तो हुई राइट। और अगर वॉल उतना फोर्स नहीं लगा पाई जितना तुमने लगाया, जैसे कि साउथ की मूवीज में होता है, वो ऐसे घूंसा मारता है तो वॉल की ईंट उधर चली जाती है ना, तो व्हाट इज देयर, हमने जितनी फोर्स लगाई वॉल उतनी फोर्स नहीं लगा पाई, तो फोर्स अनबैलेंस हो गई, तो मोशन हो गया, लेकिन तब भी हाथ में कुछ तो होगा, तो बैलेंस फोर्स डिफॉर्म करती है, बट अनबैलेंस फोर्स डिफॉर्म नहीं करेंगी, ये नहीं काम है, अदरवाइज मत लेना, बैलेंस फोर्स डिफॉर्म करती है, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सेलरेट द सिस्टम, सिस्टम को एक्सेलरेट करती है, ठीक है, अनबैलेंस फोर्सेस, और ये सिस्टम को डिफॉर्म भी कर सकती है, ठीक है, सिस्टम को डिफॉर्म भी कर सकती है। एज आई गेव यू एन एग्जाम्पल, ईंट गई लेकिन फिर भी हाथ में और ईंट में कुछ तो हुआ ना,
सिस्टम में कुछ तो डिफॉर्मेशन हुई, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, सेम क्वेश्चन को, ठीक है। एक स्प्रिंग लो और सोचो, एंड एज आई टोल्ड यू, बेसिक्स क्लियर करो, सब कुछ अपने आप होता है, ठीक है। एंड आई टेल यू वेरी बेसिक थिंग, बहुत बेसिक चीज़ें बताता हूँ, उनको अप्लाई करके आप कितना ही बड़ा क्वेश्चन कर लो, ओके। बट लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना होता है और घर पे जाके रिवाइज करना होता है, ठीक है ना। लास्ट क्लास में समझाया था ना मैंने, ये 4 न्यूटन फोर्स लगाई, ये 4 न्यूटन फोर्स लगाई, क्या होगा स्प्रिंग का? प्रैक्टिकली सोचो, ऐसे किया, एक्सपैंड हो गया ना, एक्सपैंड हो गया, शेप चेंज हो गई या लेंथ चेंज हो गई या साइज चेंज हो गया। डिफॉर्मेशन मीन्स चेंज इन शेप और चेंज इन साइज, और बोथ शेप में साइज में या दोनों में चेंज, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। सो नाउ व्हाट इज देयर, एक्सटेंड हो जाएगा तो हम कहेंगे डिफॉर्म हो गया, करेक्ट। अब सोचो हम फोर्स लगाते हैं एक तरफ 6 न्यूटन और एक तरफ 4 न्यूटन, तो ये डिफॉर्म नहीं होगा क्या? होगा, ये भी होगा। कितना होगा? जितना ये उतना ही है या अलग? मान लो इसकी लेंथ में चेंज एक्स हुआ, तो इसमें चेंज एक्स से कम होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा? इक्वल होगा, राइट। हाउ द सिस्टम वर्क्स, यही है बेसिक कॉन्सेप्ट, बस इसी को समझो। इसको सोचो, 6 न्यूटन में से 4 न्यूटन तो हमने दे दिया डिफॉर्म करने के लिए और 2 न्यूटन दे दिया एक्सिलरेट करने के लिए, तो डिफॉर्मेशन में तो अभी भी 4 न्यूटन लग रहा है ना। जब तुम F इजिकल टू एम ए लगाते हो तो F कितना लेते हो? एक मिनट, वापस करते हैं इसको। ये अगर मैं 6 न्यूटन लिखूं तो नेट फोर्स कितना? 2 न्यूटन। तो अगर ये मास 2 किलो तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? 6 माइनस 4 F इजिकल टू एम ए, ऐसी होता है ना, ये तो याद होगा। 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 into a, तो a कितना? 1। तो कितनी फोर्स ने एक्सेलरेट किया जेन्युइनली? 2 न्यूटन ने। जो अनबैलेंस पार्ट ऑफ द फोर्स है ना वो एक्सेलरेट करता है, और जो बैलेंस पार्ट ऑफ द फोर्स है वो डिफॉर्म करता है। अंडरस्टूड? जो बैलेंस्ड पार्ट ऑफ फोर्स होगा वो डिफॉर्म करेगा और जो अनबैलेंस पार्ट होगा वो एक्सेलरेट करेगा, करेक्ट। तो लाइक इसमें 6 न्यूटन और 4 न्यूटन है, तो कितनी न्यूटन से डिफॉर्मेशन होगा? 4 न्यूटन से। और एक्सेलरेशन कितने न्यूटन से होगा? 2 न्यूटन से। समझ में आया? ऑब्वियसली पहले वाले में भी 4 न्यूटन से डिफॉर्म हो रहा था, ये भी 4 न्यूटन से डिफॉर्म हो रहा। नहीं, वो तो स्प्रिंग पे भी, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा। स्प्रिंग ऐसे भी होते हैं, लाइक जिम में जाओ, कोई ऐसा ऐसा सा बच्चा गया हो जिम में, तो वो जिम वाला कहता है ये वाला खींच ले, क्यों? वो खींच जाता है। और फिर कोई ऐसा आदमी हो तो वो बोलता है ये वाला खींच, वो उससे भी नहीं खींचता। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रिंग्स, वो तो स्प्रिंग की टफनेस पे डिपेंड करता है। लाइक पैन का स्प्रिंग लो, ऐसे ऐसे बड़े आराम से हो जाते हैं, ऐसे कर लो। साइकिल की गद्दी में जो स्प्रिंग होता है, कभी उसे दबा के देखो, नहीं दबता ना। तो इसलिए वो टफनेस ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड करेगा, बट अगर आइडेंटिकल है तो ऑब्वियसली डिफॉर्म सेम होगा। हाँ, इतना क्लियर? सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज देयर, दिस फोर्स इज 10 न्यूटन एंड दिस फोर्स इज 6 न्यूटन, कैन यू ब्रेक द पार्ट balanced and unbalanced part? Deformation by which force? 6 newton. And acceleration by which force? 4 newton. ठीक है? Simple remember, force के मामले में दो चीज, अगर force लगी तो कुछ तो करेगी,
बिना कुछ करे फोर्स हो नहीं सकती, ऐसे कभी नहीं हो सकता हमने फोर्स लगाई और कुछ ना हो। फोर्स अगर लगी तो कुछ तो होगा, अगर एक्सीलरेशन नहीं होगा तो डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है राइट। सिंगल फोर्स कभी डिफॉर्म नहीं कर सकती, लगा के देख लो, ये स्प्रिंग है 10 न्यूटन फोर्स लगाओ, डिफॉर्म होगा स्प्रिंग नहीं, एक्सेलरेट होगा। सिंगल फोर्स कभी डिफॉर्म नहीं करेगी, डिफॉर्म करने के लिए हमें हमेशा कपल चाहिए, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस डिफॉर्म द सिस्टम, ठीक है। तो सिंगल फोर्स डिफॉर्म नहीं करेगी, करेक्ट, गेटिंग द पॉइंट्स, ठीक है। थर्ड थिंग, फोर्स कभी अकेली एग्जिस्ट नहीं करती, अकेली कभी नहीं हो सकती फोर्स, क्यों? न्यूटन ने बोला था, क्या बोला था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन के लिए हमेशा एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो कोई भी फोर्स लगाओ तो उसका रिएक्शन हमेशा अवेलेबल, कोई भी फोर्स लगाओ तो रिएक्शन हमेशा अवेलेबल। वो हमारे काम का है या नहीं काम का वो अलग बात है, बट एक्शन का रिएक्शन तो है ही है, यानी फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है, कभी भी सिंगल नहीं होती, लेकिन वो पेयर कभी भी सेम बॉडी पे नहीं होता, ठीक है। लाइक ये अगर मैं ये फोर्स लगाऊं ऐसे 4 न्यूटन 4 न्यूटन, तो एवरी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज नॉट एक्शन रिएक्शन, ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं है, ये जस्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं। एक्शन रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी पे नहीं होता, एक्शन रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी पे नहीं होता। आपने किसी को मारा, कोई आपको मारेगा, तो दो अलग अलग बॉडी इन्वॉल्व है, ठीक है, सेम बॉडी इन्वॉल्व नहीं है। आपने दीवार पे मारा, आपके हाथ पे चोट लगी, दीवार डिफॉर्म हुई, तो दो अलग अलग सिस्टम इन्वॉल्व है। तो एक्शन रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी पे नहीं होता, राइट, दो अलग अलग बॉडीज पे होता है, ठीक है। मैंने 2-3 चीज़ें बोली, क्या, फोर्स लगी तो कुछ तो होगा, या तो डिफॉर्मेशन होगा नहीं तो एक्सेलरेशन होगा, और दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो सिर्फ डिफॉर्मेशन, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो सिर्फ डिफॉर्मेशन, और सिंगल फोर्स है तो सिर्फ एक्सेलरेशन, और इसमें दोनों, एक्सेलरेशन प्लस डिफॉर्मेशन। जो बैलेंस पार्ट है वो डिफॉर्म करने के काम आएगा, और जो अनबैलेंस पार्ट है वो एक्सेलरेट करने का काम आएगा, क्लियर। मोमेंटम, यही था अनमोल MVM में, मोमेंटम। हाउ वी डिफाइन द मोमेंटम, मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। सोचो एक छोटा पत्थर से ओले ले लो, ओले समझते हो ना, एक ओला गिरा सिर पे, सेम स्पीड से एक बड़ा पत्थर गिरा सिर पे, सेम स्पीड से, तो किस में सिर फूटने के चांसेस है, बड़े पत्थर में, छोटे में तो नहीं, ओले से तो नहीं होता कुछ, गिरते ही रहते कितने, है ना, लेकिन बड़ा पत्थर तो नहीं हो सकता, ओला होता ऐसे कैच कर लो, अब बड़ा पत्थर हो तो फिर तो नहीं हो सकता। सो दोनों की स्पीड सेम है, बट विच कॉज इज मोर डैमेज, ज़्यादा डैमेज किसने किया, जिसका मास ज़्यादा है, ठीक है। तो मोमेंटम में ये दोनों टर्मिनोलॉजी कंबाइंड हो जाती है, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम देखें, एक बड़ा पत्थर और एक छोटी बुलेट, मैंने थोड़ा बड़ा पत्थर तुम्हें फेंका और एक छोटी बुलेट फायर की, तो विच विल कॉज मोर डैमेज, बुलेट, वाई, वेलोसिटी ज़्यादा है। तो बेसिकली ये दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, व्हेन इट कम्स टू क्रिएट अ डैमेज और इट कम्स टू
एक जो ओवरऑल रिजल्टेंट क्या कहते हैं फोर्स है उससे रिलेटेड है, अकेले एक फैक्टर नहीं ले सकते, तो इन दोनों को कंबाइन करके मोमेंटम बोल देते हैं। द मोमेंटम बिकम ए सिंगल वर्ड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। लाइक एम इंटू वी, ये प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है तो डैमेज ज़्यादा होगा, चाहे मास ज़्यादा हो चाहे वेलोसिटी ज़्यादा हो। वेलोसिटी सेम, ज़्यादा मास हो गया तो ज़्यादा मास वाला डैमेज करेगा, मास सेम वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा वेलोसिटी वाला। तो इन दोनों को जो कंबाइंड करके एक फिजिकल क्वांटिटी आई, दैट बिकम यूजफुल क्वांटिटी। फोर्स के टर्म्स में ना मास अकेला यूजफुल है ना वेलोसिटी अकेली यूजफुल है, ठीक है। सो व्हाट इज देयर कॉम्बिनेशन, दैट इज व्हाट मोमेंटम। अब इसको हम नाम तो टेक्निकल मोमेंटम है, बट प्रैक्टिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलना चाहें तो इसको हम बोलते हैं टोटल मोशन। स्पीड नहीं, मास नहीं, मोशन नेवर मीन्स स्पीड, द टोटल मोशन कंटेंड इन अ बॉडी, दैट इज व्हाट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, राइट। मोशन, टोटल मोशन, अंडरस्टूड। सो हाउ वी डिफाइन मोमेंटम, इज टोटल मोशन कंटेंड इन एन ऑब्जेक्ट। इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। P से डिनोट करते हैं, M इंटू वी, ठीक है। ये एक वैक्टर क्वांटिटी होती है, वैक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिनमें डायरेक्शन होती है, राइट। व्हाट विल बी द यूनिट, इट इज ए वैक्टर क्वांटिटी direction of which is same as of velocity. Direction of which is same as of velocity. SI unit is केजी मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड। सिंपली एनएस से लिख देते हैं, न्यूटन को सेकेंड से मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। तो समझ में आ गया पहली चीज, व्हाट इज इनर्शिया, अंडरस्टूड। व्हाट इज फोर्स, अंडरस्टूड। बैलेंस, अनबैलेंस, डिफॉर्मेशन, एक्सेलरेशन, ये सब क्लियर। एंड मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, टोटल मोशन, दैट्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, राइट।